बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईडी कार्ड एमएस वर्ड में उसकी कंप्लीट डिज़ाइन और उसकी फॉर्मेटिंग सब आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। कौन से ऑप्शंस की मदद से उसको डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर कलर्स, शेप्स के अंदर पिक्चर और फिर सारा ग्रुप किस तरह से होगा, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, ये आईडी कार्ड बना हुआ है और इसको डिज़ाइन करेंगे हम एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले अगर हम इंसर्ट की बात करें, तो अगर कोई आईडी कार्ड आपने डाउनलोड किया हुआ है तो पिक्चर ऑप्शन से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास अवेलेबल हैं सारे आईडी कार्ड, तो इसके अंदर से मुझे ये वाला मैंने सेलेक्ट करके इंसर्ट किया और इसको हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी, अब इसको डिज़ाइन करने के लिए एक पेज ऐड कर लेते हैं ब्लैंक। दो पेज हो गए, दोनों आमने सामने लाने हैं। व्यू में जाएंगे मल्टी पेजेस, और मल्टी पेज से अब इसको हम थोड़ा सा जूम को बढ़ा लेंगे और फिर इसको हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर शेप्स, अब इसमें क्योंकि राउंड्स थोड़े से बने हुए हैं, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये राउंड स्टाइल में शेप्स बना हुआ है। तो शेप्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे ये वाला जो शेप्स आ रहा है राउंडेड, इसको सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जिस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है उस हिसाब से आप ड्रॉ कर लें। अगर आपको इस पेज पे अलग बनाना है तो ये वाले पेज पे बना लें, और अगर इसी पे बनाना है तो फिर आप इसको बड़ा कर लें और यहाँ से डिज़ाइन में जाएं, डिज़ाइन में लेआउट, लेआउट में जाकर ओरिएंटेशन में लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में यहाँ जगह मिल जाएगी आपको। अब इस कार्ड को देख के यहाँ आप डिज़ाइन करें। अब जो शेप हमने सेलेक्ट करा है दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं राउंडेड। राउंडेड सेलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल। ठीक है जी, अब इसका राउंड बहुत ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये वाले राउंड को हम, ये जो येलो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट शेप का पॉइंट को एडिट कर सकते हैं, इससे राउंड को हम बड़ा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये काम हो गया। ये काम करने के बाद अब ये एरिया इसका बैकग्राउंड वाइट और ये कलर अलग है, तो इसके लिए हम एक और रेक्टेंगल लेंगे, ये वाला रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर राउंडेड। ठीक है जी, इसकी बॉटम साइड जो है रेक्टेंगल स्टाइल है और जो टॉप साइड है वो टॉप कॉर्नर राउंडेड है। ये वाला लेकर आप इसको अब इसके यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरह। ठीक है जी, और राउंड इसके इसी के साथ मैच कराने हैं तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा इसका जो येलो पॉइंट आ रहा है इसके साथ इसको मिक्स सेट करेंगे यहाँ पे, और इसके साथ इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। कलर जो भी आपको रखना होगा इसका कलर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाकर, यहाँ से बने बनाए कलर हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अपना कोई कलर सेट करना है तो इसका फॉर्मेट में शेप फिल, और यहाँ से भी कोई कलर अगर आपको चाहिए आप ले लें और इस तरह के कलर देने हैं, या फिर अपना कोई बनाना है मोर, मोर कलर में जाएंगे तो यहाँ से भी कोई कलर आप अपना रख सकते हैं। ठीक है जी, जैसे इस तरह से आ रहा है ओके कर लें, तो ये कलर बन गया। और इसका कलर जो होगा, ये दूसरा रेक्टेंगल जो मेन हमने बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, इसको कलर को हम कर लेते हैं वाइट। ठीक है जी, आउटलाइन भी फ़िलहाल रखी हुई है ताकि हम जो डिज़ाइन करेंगे तो उसका एक आइडिया हमें हो जाए कि इस एरिए में हमें जो है वर्क करना है। तो यहाँ से अब रेक्टेंगल जो होगा कार्ट के लिए एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया हमारा कार्ट के लिए एक रेक्टेंगल, और इसमें लगा देंगे हम इमेज। और बाकी ये एक लोगो है, लोगो मेरे पास डाउनलोड हुआ है, तो मैं यहाँ से पिक्चर में शेप्स में लोगो को इंसर्ट करूँगा। लोगो का रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे इतने एरिया में हमारा लोगो बनेगा, और लोगो के लिए ये मैंने सेट किया है इसको, और इसमें लोगो इंसर्ट करने के लिए शेप फिल। ठीक है जी, जिस शेप में क्लिक करेंगे उसका फॉर्मेट मेन्यू है, और उसके अंदर से आप पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे। मेरी डेस्कटॉप की लोकेशन पे लोगो आ रहा है, इसको मैंने क्लिक करके इंसर्ट किया, तो ये इसके अंदर रेक्टेंगल में राउंडेड जो राउंड बनाया था सर्किल, उसमें लोगो ऐड हो गया। अब इसमें जो इसका आउटलाइन कलर है वो नहीं चाहिए शेप आउटलाइन, और इसकी नो कर देंगे आउटलाइन। ठीक है जी, थोड़ा बड़ा साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से आप लोगो को सेट कर लें इस तरह से। और नेक्स्ट जो होगी वो इमेज भी इसी तरह से आ जाएगी, जो भी इमेज आपको इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है जी, अब इसके अंदर इमेज इंसर्ट करनी है तो ये वाला शेप क्लिक,
फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट में जाता है शेप फिल में पिक्चर और यहाँ से फ्रॉम अ फाइल। अब यहाँ पर मेरे पास ये इमेज आ रही है, इसको मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे क्लिक, ठीक है जी। इसकी शेप आउटलाइन 9 करनी है, 9 आपकी जो इमेज है इस तरह से आप सेट करेंगे उसको। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। अब टेक्स्ट लिखने के लिए ये जो हमारे पास आ रहा है इसका कलर थोड़ा ज़्यादा शार्प हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से लाइट कलर में ले लेता हूँ। ठीक है जी। और इसके साथ अब इसी में एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स टाइपिंग के लिए होगा। ABC स्कूल स्टूडेंट, कंट्रोल ए, ऑल सिलेक्ट, होम मेन्यू में जाएंगे, चेंज केस में इसकी राइटिंग को कैपिटलाइज ईच कर लें और ABC को मैं फुल कैपिटल कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको हम करेंगे अलाइन सेंटर और नेक्स्ट एंटर के बाद यहाँ पे ईयर आ जाएगा 2022, 2023। कंट्रोल ए नो स्पेस के साथ इसको यहाँ से स्पेस ख़त्म करेंगे, अलाइन सेंटर करेंगे और इस वाले टैक्स को जो मेन नेम आ रहा है इसको यहाँ से बड़ा करेंगे, ठीक है जी, बोल्ड कर देंगे यहाँ से और यहाँ से बॉक्स को बड़ा करेंगे। और यहाँ से इस ईयर को भी सिलेक्ट करेंगे बोल्ड और यहाँ से इसको बड़ा करेंगे और यहाँ से शेप फिल जो होगा 9 और आउटलाइन भी 9। कलर यहाँ से जो रखना है वो आप टेक्स्ट का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, वाइट कर लें, ठीक है जी। और इसका जो कलर होगा वो भी आपको चेंज करना है, यहाँ से वाइट ही कर लेते हैं। राइटिंग आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर इसमें अभी भी स्पेस ज़्यादा आ रही है तो कंट्रोल एक्स कट करके इसका एक बॉक्स अलग से ले लें कॉपी और यहाँ पर इसके अंदर कर दें कंट्रोल वी और फिर इसको अरेंज कर लें आप, ठीक है जी। इसमें स्पेस आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अलग अलग बॉक्स में आप लिख लेंगे और दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करें शिफ्ट दबा के और ऊपर टॉप की तरफ शिफ्ट कर लें, ठीक है जी। और यहाँ पे इसका स्पेस कम कर लें। ये सेट करने के बाद अब यहाँ पर ये वाले टेक्स्ट की एंट्री करनी है, तो इसका एक बॉक्स जो बनाया है इसी की कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल के साथ और यहाँ पर कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट के साथ जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। कलर इसका चेंज कर लें यहाँ से ब्लैक, और यही नाम में एंट्री कर लेता हूँ, और इसको भी सेट करेंगे यहाँ पे। पहले टैक्स लिख लेते हैं और फिर उसको सेट करने के लिए मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट और यहाँ से इसकी स्पेस को भी ख़त्म कर देंगे और यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे बोल्ड, ठीक है जी, सभी को बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। ऑल बोल्ड करके यहाँ से इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ से फॉन्ट का साइज़ को बड़ा कर लेंगे और यहाँ रेक्टेंगल का जो साइज़ है इसको छोटा कर लेते हैं। और फॉन्ट स्टाइल का बड़ा अहम रोल होता है, जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें फॉन्ट कौन से अच्छे लग रहे हैं उस हिसाब से आपको उसके फॉन्ट सेट करने हैं, तो यहाँ से जो भी आपके स्टाइल आपको फॉन्ट का अच्छा लगे उस हिसाब से आप फॉन्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये वाला स्टाइल ले लेते हैं और फिर इसी की कॉपी करेंगे
कंट्रोल के साथ, यहाँ पे इसको सेट करके, यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल है वो आप यहाँ पे दे दें। स्पेस देकर यहाँ पर आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। इसको भी बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर लें और अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर हो जाएगा यहाँ से। इसको फॉन्ट यही रखना है, ये रख लें, चेंज करना है तो फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। कर्सर क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉन्ट को कम करेंगे ताकि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए इस तरह से, ठीक है जी, ताकि स्पेस ख़त्म हो और नीचे हमारा फिर ये वाला पार्ट जो होगा ये इसके अंदर ऐड हो जाए। तो यहाँ से इसको इस तरह से सेट करेंगे, और यहाँ ये वाला फॉन्ट देख लीजिएगा इसमें कौन सा स्टाइल आपको सही लग रहा है वो हिसाब से। इसके अंदर मैं एरियल सिलेक्ट कर लेता हूँ, कैलिबरी सिलेक्ट है अभी फ़िलहाल, एरियल फॉन्ट इसका डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये यही इस फॉन्ट रख लेते हैं। फॉन्ट को थोड़ा छोटा करके इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज है नंबर्स का, इसको भी यहाँ से ये वाले स्टाइल में ले लेते हैं, ठीक है जी। और बाकी अब जो रह गया है वो ये वाला जो शेप है ये बनाना है। इसके लिए इंसर्ट, इंसर्ट में हमारे पास एक मौजूद होता है शेप यहाँ पर, इसका एक साइड राउंडेड है, तो यहाँ पे दिया हुआ रेक्टेंगल सिंगल कॉर्नर राउंडेड टॉप, इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से राउंड में आ रहा है इस तरह से। और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद इसके राउंडेड को सेट करेंगे इसके हिसाब से। तो पहले इसकी पोजिशन चेंज करेंगे, इसका राउंड ऊपर बना हुआ है, हमें टॉप बॉटम साइड चाहिए, तो यहाँ से जाएंगे इसके फॉर्मेट मेन्यू में, राउंडेड यहाँ से कर देंगे फिलिप वर्टिकल, फिलिप वर्टिकल से देखें इसकी पोजिशन राउंडेड नीचे आ गई इधर, और यहाँ से अपना जो हमने शेप बनाया हुआ है उस हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे, हो गया सेट। और यही कलर जो है वो इसके अंदर भी देना है जो आपने अपना बॉक्स का कलर रखा होगा, तो यहाँ से ये वाला कलर मैंने इसमें सेलेक्ट करा हुआ है, इसके अंदर भी वही कलर चाहिए। क्लिक शेप में जाएंगे, ये कलर इसका सेलेक्ट हो जाएगा, साइज इसका छोटा कर लें, ठीक है जी। और ये स्टूडेंट आईडी नंबर जो होगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसको लिखने के लिए अलग से एक बॉक्स बनाना है आपको, यहाँ रेड लाइन आ रही है इसको इग्नोर कर देते हैं, या होम टाउन इस तरह लिख लेंगे। ग्रामर मिस्टेक के लिए ब्लू लाइन होती है। अब एक बॉक्स लेना है, बॉक्स के लिए स्टूडेंट आईडी और ये डिटेल आएगी सारी। इंसर्ट में जाएंगे, शेप, शेप के अंदर से एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर इसी को सिलेक्ट करेंगे। फॉन्ट जो है एरियल सिलेक्ट है, ये स्टूडेंट आईडी, ठीक है जी। फॉन्ट जो भी आपको चाहिए वो आप फॉर्म से जाके सिलेक्ट करेंगे, कैलिबरी हुआ हुआ सिलेक्ट, बोल्ड अगर यही सही लग रहा है तो आप ये भी रख सकते हैं, चेंज करना है तो आपकी मर्जी है। और इसका आप कलर और आउटलाइन नहीं रखनी है, हमें फॉर्मेट में जाएंगे, बॉक्स के अंदर लिखने के बाद नोफिल, देखिए कलर अभी आ रहा है, नोफिल करेंगे ख़त्म। और इसी तरह आउटलाइन भी क्लियर कर दी, और टेक्स्ट कलर वाइट है तो यहाँ से जाके इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट, और यहाँ से इसका फॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो यहाँ से बड़ा कर लें फॉन्ट। ये स्टूडेंट आईडी बन गई, और यहाँ ग्रेड का लिखा हुआ है ऑप्शन, ग्रेड के लिए आप एक अलग से बॉक्स ले लें, और यहाँ जो ग्रेड होगा वो ग्रेड आप इंटर कर लें, यहाँ लिख लिया ग्रेड 5, सेंटर फॉर्मेट में जाएंगे नो फिल, शेप आउटलाइन नो, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका हेडिंग का कलर जो आ रहा है ये वाला जो बॉक्स हमने लिया है इसके कलर को चेंज कर लेते हैं,
कलर मिक्स हो रहा है, तो इसको फॉर्मेट में जाकर यहाँ से जाएंगे और कलर रेड या जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप कलर डार्क कर लें या लाइट कर लें। ठीक है जी, कोई सा कलर पिक करना है तो मोर, और मोर में जाके यहाँ से आप बने बनाए कलर भी रख सकते हैं, कोई डार्क लाइट अपने हिसाब से, या कस्टम करके आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है जी, जैसा सही लगे उस हिसाब से आप कलर रख लें यहाँ पे, और इस तरह से ये फाइनल हो गया। अब इसको अगर हम मूव करेंगे तो ये अलग अलग शेप में बना हुआ है। अब देखें इसकी आउटलाइन हमने रखी थी, अब इसकी ये इसमें आउटलाइन शो नहीं हो रही, तो इस तरह इसकी भी आउटलाइन अब नहीं चाहिए, हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। तो फॉर्मेट में जाएगी इसकी आउटलाइन नो, और अब इसको ये अलग अलग देखें मूव हो रहा है ये सब, तो हमें इसको कंबाइन एक साथ करना है। इसके लिए इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, होम मेन्यू में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाकर क्लिक, और यहाँ से पहाड़ से इसके शेप के क्लिक करते हुए लाएंगे ताकि एंटायर जो भी शेप्स हैं सारे इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएँ। इस तरह से जब सारे शेप जितना आपने यूज़ किए हैं एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट क्लिक करें, ग्रुप ऑप्शन में जाएं ग्रुप। इसका फ़ायदा ये होगा अगर आप बाहर अनक्लिक करके दोबारा भी क्लिक करेंगे तो ये शेप बॉक्स की मदद में ही सिलेक्ट होंगे सारे, और इस तरह से आपके मूव भी हो जाएंगे। ठीक है जी, और कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट भी आ जाएगी इसी तरह से, अलग अलग आप पूरे बॉक्स की जैसे आपने कॉपी ली होगी तो इस तरह से आपके बॉक्स ग्रुप करने के बाद एक साथ मज़ीद कॉपी आप ले सकते हैं इस तरह से। तो स्टार्ट में जो मैंने कहा था सभी ऑप्शन मैंने इसमें बता दिए, शेप से लेकर ड्रॉ करने का, उसका फॉर्मेट, उसमें लोगो लगाना, पिक्चर, और फिर उसकी फॉर्मेटिंग, कलर सेटिंग, और फिर उसके बाद उसको ग्रुप करना, कौन से शेप को किस तरह से सेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर क्लियर करी हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें मज़ा आया होगा वीडियो के अंदर आपको, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक भी इसी तरह से करना है भरपूर। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।